लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत मजा आया ना मम्मी? हाँ, पिक्चर अच्छी थी। ये प्रोजेक्टर सफल रहा तो जल्द बाला मारो। बोलो कौन है? जोगिंदर। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी हालत किसने बनाई? मैंने बनाई है गजेंद्र। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है। बाप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के भेष में सरकारी माल लूट रहा है और बेटा जमानी के जोश में लड़कियों की इज्जत लूट रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा धंधा खोला है बाप बेटे ने मिलकर। हाँ तुम सिर्फ सरकारी नौकर हो, सरकार नहीं हो। थाने के मामले में मुंह मरेगा तो तेरा मुंह छील कर तेरे चेहरे से अलग कर दूंगा। और तू भी अपनी शैतान की कोख से जन्मी अपनी सौलाद को समझा दे। अगर इसने मेरी मंगेतर आशा पर बुरी नजर डाली तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। आशा? ये आशा कौन है? अरे पार्टनर, आशा उसी मास्टर ने उषा की बेटी है जिसे जवानी में तुमने उठाया था और उसने कसकर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। तो उस वेश्या की बेटी के लिए इसने हमारे बेटे पर हाथ उठाया है? ए ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दे। एक माँ समान देवी का अपमान करोगे तो हलक की जमीन से जबान उखाड़ लूंगा। अच्छा, उस वेश्या को माँ समान समझने लगे हो? लगता है इंजीनियरिंग करते करते वेश्याओं की भड़वागिरी भी करने लगे हो। क्या बोला तू? गजेंद्र सिंह, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, तेरे पाप का पिटारा भर चुका है। बहुत जल्द तू फांसी पर चढ़ने वाला है और तेरे साथ तेरा ये पार्टनर मदन लाल भी, क्योंकि तुम लोग खूनी हो, कातिल हो। तुमने इंजीनियर मोहन और सुपरवाइजर सुंदर लाल का खून किया है और उसका सबूत और चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है। याद रखना। तेरे के बच्चे को कैसे पता चला होगा कि मोहन और सुंदर का कत्ल हम लोगों ने किया है? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। ना ही तो हमने कोई सबूत छोड़ा है और ना ही मौका वारदात पर हमारे अलावा कोई और था। तो फिर वो इंजीनियर किस बलबूते पर हमें धमकी दे गया? साहब, सब लोग अंदर आ गए। चलो। किसने हमसे गद्दारी की है? कौन है वो नमक हराम? Who is that black sheep? बोलो, किसने हमारे खिलाफ इंजीनियर को क्या जानकारी दी है? बोलो वरना एक एक को कुत्ते की बात मार दूंगा। साहब, आपके खिलाफ हिम्मत करने वाला कौन हो सकता है साहब? तो फिर वो इंजीनियर कैसे कह गया कि उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है? राकेश कहाँ है? पार्टनर, उस दिन राकेश हमारे साथ था, कहीं उसने तो नहीं? है? राकेश? ये राकेश कहाँ है? साहब, हमने तो उसको पिछले 2 महीने से नहीं देखा है साहब। तुम सब के सब निकम्मे और बेकार हो। 2 महीने से हमारा वो आदमी गायब है और तुमने हमें कुछ बताया तक नहीं। जाओ और तलाश करो और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे हमारे सामने पेश करो, जिंदा या मुर्दा, वरना एक एक को मैं तोप से उड़ा दूंगा हरामजादो। चलो जाओ, दगा हो जाओ यहाँ से। बस 2 मिनट बाकी। पंडित जी ने कहा था कि ठीक 12 बजे शुभ घड़ी होगी, तब अपनी बीवी को हाथ लगाना, सुहाग रात मनाना, उससे जो औलाद होगी बहुत शानदार होगी, मेरी तरह। भुलक्कड़। मैं क्या भुलक्कड़ हूँ? क्या थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है कभी, बाकी सब याद रहता है। अभी जैसे मेरी घड़ी, मेरी घड़ी का ओफो, ये रे, टाइम हो गया, शुभ घड़ी आ गई। चलो घूम जाओ। अब ये आवाज किधर से आ रही? अरे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अबे ठहर जा उल्लू के पट्टे, दरवाजा तोड़ेगा क्या? मैं इस सुहागरात बर्बाद कर दी, भगवान करे तू सुहागरात मनाने के लायक ही नहीं रहे। तू बढ़िया यहाँ, मैं भटकता था वहाँ। कौन है तू? कौन है तू मतलब? अरे मेरा घर, तुम कौन होते मुझसे पूछने वाले? ये तुम्हारा घर है? हाँ, नहीं तो क्या तुम्हारा घर है? ये मेरा घर है, वो सामने बैठी है ना, वो मेरी पत्नी है। अरे कोई शर्म वरम है कि नहीं? मैंने भगवान को साक्षी मानकर अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर उसको अपनी पत्नी बनाया और तू कहता है तेरी पत्नी है? ए, ये आदमी क्या कह रहा है? हा? मेरे सामने तुम्हें अपनी पत्नी बता रहा है? बता इसके साथ तेरा चक्कर चप्पल ला तो छड़ी होगा मदन लाल कोई होगा? अरे वाह,
एक तो मेरे घर में घुस के मेरी स्वागत बर्बाद कर दिया, ऊपर से मेरी पत्नी को गाली देता है, मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी पत्नी? हाँ, फिर डैन मक्कार धोखेबाज फरेब, तू मेरे जज्बात के पास पैर नीचे कर। मालूम नहीं किसके जूते पहन के चला है, इस पैर का जूता उसमें और उसका इसमें। तड़ा हुआ छिलका, झाड़ू का तिनका, ताला मेरे घर में घुस के मेरी सुहाग रात बर्बाद कर दिया, ऊपर से मेरी पत्नी को गाली देता है। एक बात बताऊं? क्या? तुम थोड़े से बेवकूफ। हाँ तो क्या हुआ? ये लड़की सबसे पहले मुझको लोनावला में मिली, वहां से मैंने उसको उठा लिया। बोरी मिली पहुंच कर हम दोनों ने शादी कर ली। कांदी मिली पहुंच कर जब हम दोनों सुहागरात बनाने वाले थे ना, फुर्र से वहां से उठकर चली गई। उस दिन सुहागरात की भागी हुई आज मेरे सामने फिर से आए। मैं जो नहीं नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। देखो तुम हर रोज एक रेशमी साड़ी बदलो, तुम हर रोज अपना जूता चप्पल बदलो, तुम हर रोज अपने जेवर बदलो, लेकिन पति कभी मत बदलना सावित्री, कभी नहीं। सावित्री? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, इसका नाम सावित्री थोड़ी है। तो क्या है इसका नाम? इसका नाम क्या नाम है तुम्हारा? ओफो सुनीता। सुनीता, जरा अपनी पीठ दिखाओ। अब एक मिनट इसकी पीठ देखकर बताऊंगा, मेरी वाइफ है तुम्हारी। चलो ठीक है, देखते क्या करता। चलो घूम जा। अभी बोलो क्या है? नहीं, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी तो हमेशा दो चुटियां बांधती थी। बताओ साला उल्लू का बच्चा, बीवी की शक्ल याद है, उसकी चोटियां याद है। चलो बाहर निकलो। भाभी माफ कर दो, बाहर निकलो। भाई साहब माफ कर दो, बाहर निकलो। भाई साहब माफ कर दो, तुम बाहर जाओ। भाभी माफ कर दो, अरे मेरे बाप तुम बाहर जाओ। भाई साहब माफ। किधर गए? यहाँ है। अरे ए, 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 अरे उठना है। क्या मुसीबत है यार, इतनी मुश्किल से तो सुहागरात की शुभ घड़ी निकाली, इस सुहाग की सेज सजाई, उसमें सारा भैंसे की तरह सो गया। इधर सत्यानाश इसका, लो शुभ घड़ी बीत गई, क्या खाक सुहागरात मनाएंगे। तुम दिल छोटा मत करो, मैं सुबह पंडित जी को फिर मिलूंगा, फिर शुभ घड़ी निकालूंगा, फिर सुहागरात मनाएंगे। छोटा मत करो। उस कमीने ने मेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे मार डाला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, पूरे खानदान को मिटा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कौन है? चला शाबाश। बोल तूने उस इंजीनियर को क्या क्या बताया है? नहीं साहब, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया साहब। हरामी, झूठ मत बोल, झूठ हमसे छुप नहीं सकता और सच का चेहरा हमसे बच नहीं सकता। सच सच बता कुत्ते, सब कुछ बता, बता हरामी, बता, बताएगा तू, तेरा तो बाप भी बताएगा। बताता हूँ, मैंने पूरी बात अमर बाबू को बोल दी। वो सुपरवाइजर और इंजीनियर की मौत कैसे हुई थी और वो फाइल मैंने उड़ाकर अमर बाबू को दे दी, जो आप लोगों ने सुंदर की लाश से ले दी। मार दो साले को गोली से, नमक हराम है, मार दो साले को। तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी। उठाओ इसकी लाश को, दीवार में चुनवा दो। आशा, खामोश क्यों हो गई? कुछ तो बोलो। जब दिल से दिल का मिलन होता है तो जुबान नहीं दिल बोलते हैं, धड़कने बोलती हैं, एहसास बोलते हैं। अच्छा, अगर तुम दिल की जबान समझ रही हो तो बताओ मेरे दिल की धड़कन क्या कह रही है? वही जो मेरे दिल की धड़कन कह रही है। और तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कह रही है? यही कि तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवा मेरे अमर के। सचमुच आशा, मैंने भी तुम्हें पाकर दुनिया की सारी नियामतें पा ली हैं। हैरान हूं कि अब तक मैं तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रह सका। ये बेचारा तो मर गया, इस जालिम ने इस मासूम को इतनी बेदर्दी से मार डाला। देखो
साथी को खोकर वो बेचारा कैसे तड़प रहा है। हाँ, साथी की जुदाई से बड़ा दुख शायद दुनिया में कोई भी नहीं होगा, चाहे पंछी हो चाहे इंसान। अमर, पता नहीं क्यों अचानक मुझे डर सा लग रहा है। डर? किस बात का डर? कहीं किस्मत ने हमें जुदा कर दिया तो? अरे पगली, दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। और फिर दो दिन के बाद तो हमारी शादी है, फिर हनीमून, हनीमून, कभी ना खत्म होने वाला हनीमून।